आज हम मैगी और आलू का ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं, शायद ही आपने पहले ऐसा नाश्ता कभी खाया होगा और कभी देखा होगा। खाने में भी बहुत यम्मी लगता है, तो चलिए इस नाश्ते को बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच के करीबन, और ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच जीरा। थोड़ी देर के लिए जीरे को फ्राई होने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ी देर के लिए मिर्ची को फ्राई होने देंगे। जीरा यहाँ पर ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप डालें, नहीं तो इसे बिना जीरे के भी आप बना सकते हैं। तो मिर्ची अच्छे से थोड़ी सी भुन गई है, इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मैं इस रेसिपी को थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। साथ ही में डाल देंगे नमक, तो मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मैगी ली है, तो मैगी को खोलकर हम इसके अंदर डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए, और जब तक हम मैगी का पैकेट खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे मैगी का मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें मैगी को तोड़कर डाल देंगे। यदि आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे मैगी को आखिरी में थोड़ा सा ड्राई ही रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कम पानी का यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि मैगी जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाए। जैसा हम मैगी बनाते हैं नॉर्मली, हमें इसे यहाँ पर मैगी की तरह ही बनाना है। बस इसे हमें ज़्यादा सा लिक्विड ही नहीं रखना है, हल्का सा ड्राई रखना है। आज जो है मैगी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप नॉर्मली ऐसी मैगी बनाकर तो खाते ही हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसके लाजवाब स्वाद का मज़ा लेने के लिए इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप जब इस रेसिपी को देखेंगे तो इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। जब भी हल्की फुल्की भूख लगती है तो मैगी एक ऐसा ऑप्शन है जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगती है। इसलिए इसे बड़े हो या छोटे हो या घर के कोई भी सदस्य हो, इसे खाना तो ज़रूर पसंद करते हैं। और यदि हम इसे कुछ मज़ेदार टेस्टी से बना लें तो ये तो फटाफट कब ख़त्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर का पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सेजवान चटनी, जिससे बहुत ही यम्मी टेस्ट हो जाता है मैगी का। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप चटनी की क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं जितना आप इसे मज़ेदार बनाना चाहते हैं। अब गैस को हम कर देंगे बंद। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब आप चाहें तो ऐसी मज़ेदार सेजवान चटनी वाली मैगी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हम बढ़िया सा एक मज़ेदार ट्विस्ट करने वाले हैं, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी ठंडा होने के लिए और हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं, तो आलू को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो इस तरह से हम आलू को फोड़ लेंगे। तो मैंने आलू को यहाँ पर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये देखिए आप, इस तरह से मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश किया है, इसमें बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप मैदा। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीबन ऑयल, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी का यूज़ अभी हम नहीं करेंगे, पहले सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत लगेगी तो हम पानी का यूज़ करेंगे। और इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे डो की तरह रेडी करेंगे। आलू में भी ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसलिए पानी आप बाद में ही यूज़ करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो ही यूज़ करें। पहले आप इस तरह से अच्छी तरह से सभी को मिक्स करके देखें कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं। देखिए ये अच्छी तरह से बाइंड हो गया है और बिल्कुल गूथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगा है। मैंने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि जो आलू के अंदर का मॉइस्चर है उसी के कारण ये अच्छी तरह से डो की तरह तैयार हो गया है। फिर भी यदि आपको ज़रूरत लगती है तो आप बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये गूथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगा है। तो इसी तरह का हमें इसे मिक्स करके रखना है। तो ये डो की तरह तैयार हो गया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसकी एक लोई बना लेंगे, इस तरह से गोल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से, और अब इसको हम बेलेंगे। एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही एकदम ज़्यादा मोटा रखना है। ये देखिए इस तरह से।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको इसकी थिकनेस रखनी है। अब जो मैगी हमने बना के रखी थी ये भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसे हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से मैगी को रखेंगे और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसके किनारे पे हम हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसे चिपका देंगे। चारों साइड से इस तरह से हम इसे चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं, जैसे गुजिया होती है ना सेम उस तरह से। लेकिन हमें इसे एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, तो इस तरह से हम इसे दबाएंगे, हल्का हल्का सा दबा देंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से हमें सभी पॉकेट को रेडी करने हैं और अच्छी तरह से सील करें ताकि ये खुले नहीं। अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से सभी को रेडी करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर इन्हें बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा तेल डाला है और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब जो हमने यहाँ पर ये बनाए हैं नाश्ते, इन्हें हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अभी दो रख रही हूँ क्योंकि मैं भी एकदम ज़्यादा रख दूँगी तो फिर मुझे इसे टर्न करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी दो रखे हैं। इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद हम बचे हुए सेकंड बैच में इन्हें सेलो फ्राई करेंगे। तो अभी इन्हें हम एक साइड से अच्छी तरह से सेलो फ्राई होने देंगे, लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेलो फ्राई करना है। और मैंने इस नाश्ते को सेलो फ्राई करने के लिए सिर्फ एक बड़ा चम्मच का ही तेल का इस्तेमाल किया है। बहुत ही यम्मी लगता है ये नाश्ता, लुक वाइज भी दिखने में बहुत बढ़िया लगता है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। एक बार अपने घर वालों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। अब ये एक साइड से हल्के से पक गए हैं तो इन्हें हम पलट देते हैं। वाओ देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसी तरह से इन्हें हम पलट पलट कर दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें पका लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, लुक वाइज भी कितना दिखने में डिलीशियस लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से बढ़िया तरीके से शेलो फ्राई हो चुके हैं। इन्हें उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है ना। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम इसी तरह से शेलो फ्राई कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखें इस रेसिपी को बनाते समय, जब आप आलू को यूज़ करें तो आलू को उबालने के बाद आप अच्छी तरह से ठंडा करें, उसके बाद ही आलू का यूज़ करें। यदि आप गरम गरम में आलू का यूज़ करेंगे तो जब आप उसमें मैदा मिलाएंगे तो जो मैदा है वो बिल्कुल एकदम गीला हो जाएगा और जो ये डो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसे टाइट करने के लिए आपको उसमें ज़्यादा मैदा डालना पड़ेगा और यदि आप ज़्यादा मैदा डालेंगे तो इस नाश्ते का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, फिर मैदा मैदा ही आपको टेस्ट में लगेगा, आलू का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो आलू को अच्छी तरह से ठंडा करें, उसके बाद ही आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर मिलाएं। तो देखिए है ना कितना आसान इस नाश्ते को बनाना, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब इसके लाजवाब स्वाद का मज़ा लेने के लिए आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हम फिर मिलेंगे मज़ेदार सी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।